दोस्तों जो वेबसाइट आप अभी फिलहाल मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसे मैंने सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में बनाया। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ही क्लिक्स के अंदर आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आपको ना कोई डिजाइन करनी है, ना इनमें कुछ इमेजेस ले आनी है, कोई भी आपको इमेजेस एडिट नहीं करनी है, कोई ग्राफिक डिजाइन, कुछ वेबसाइट डिजाइन कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ ही क्लिक करना है। ये सारा का सारा डिजाइन आप सिर्फ कुछ क्लिक के अंदर कैसे अपने खुद की वेबसाइट में इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये सारा का सारा वीडियो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। आज से लगभग 2 साल पहले यानी कि 30 नवंबर 2020 में, यानी कि 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन blogger.com। अब उस टाइम के लिए ये वेबसाइट ठीक थी, लेकिन आज 2023 चल रहा है तो 2 साल तो क्या 3 साल गुजर चुके हैं, तो 2023 के अंदर ब्लॉगर के ऊपर थोड़ा आउटडेटेड होता है। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को सच में सीरियसली लेते हैं, सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत होगी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाने की। अब वर्डप्रेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसमें बनाना वेबसाइट बहुत ही ज्यादा हमको तामझाम करना होता है। ये सारे सॉल्यूशन का हल आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा सिर्फ कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनटों में आपको कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, कोई आपको अलग से डिजाइनिंग के ऊपर भी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ऑलरेडी प्रीमेड टेम्पलेट यहां पर मिल जाएगा मेरी तरफ से, ना तो आपको डिजाइन करना है, ना तो खुद से कुछ कंटेंट यहां पर कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट अपडेट करने, प्रोडक्ट जो है अपलोड करने, या फिर प्रोडक्ट ऐड करने, कैटेगरी बनानी है, एंड थोड़ा थोड़ा काम आपको जो अपने हिसाब से करना, जो कि आपके प्रोडक्ट है आपको खुद को ऐड करने पड़ेंगे, बट बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानवेंद्र चौधरी एंड वेलकम बैक टू डिजिटल बैकग्राउंड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहां पर मेरे होस्टिंग के बैकएंड में लॉगिन हो चुका हूं, और यहां से आपको तो आपके बिजनेस के लिए न्यू ही वेबसाइट बनानी, बट मैं यहां पर क्योंकि मुझे इससे मतलब मेरे लिए खुद के लिए नहीं करना, मैं यहां पर डेमो पर्पस के लिए बता रहा हूं, इसलिए मेरा मेन डोमेन जो है digitalbackend.com, उसके अंदर मैं एक सब डोमेन यहां पर क्रिएट करूंगा। आप चाहे तो डायरेक्टली अपने डोमेन को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट कीजिए, मैं यहां पर फिलहाल होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो कोई और भी होस्टिंग यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी होस्टिंग है। वहां पर सी पैनल में आपको डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जब आप डोमेन परचेस करेंगे आपको सी नेम चेंज करने होंगे, तो आप डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो ऊपर आई बटन में वीडियो दी हुई होगी, उसे आप जाकर सबसे पहले देखिए। देन हम यहां पर सबसे पहले मेरा जो सबडोमेन क्रिएट कर लेता हूं, मैं यहां पर शॉप नाम से सबडोमेन क्रिएट करूंगा, एंड देन मैं यहां पर सिंपली आ जाऊंगा वापस डिजिटल बैकग्राउंड। सिंपली मुझे यहां पर वर्डप्रेस पर क्लिक करना है। अगर आप कोई और होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको सी पैनल नाम का एक टूल दिया होगा, उस सी पैनल के अंदर आपको सॉफ्ट क्लॉस या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर इस तरह से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ये उसके अंदर वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा, या फिर आपको डायरेक्टली भी हो सकता है वर्डप्रेस का ऑप्शन डायरेक्टली भी देखने को मिल जाए, तो वहां से आप सिंपली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं यहां पर सिंपली यहां पर क्लिक करूंगा और हमको यहां पर एक शॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं सिंपली इस शॉप वाले सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर शॉप को सिलेक्ट किया, देन मैं सिंपली यहां पर इंस्टॉल नाउ के इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो हमारा जो प्रोसेस रहता है, ये रहा हमारा डेमो शॉप वेबसाइट, इतना मैंने यहां पर लिख दिया, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सुधार दूं। यूजर नेम पासवर्ड मैंने दोनों दे दिया है, और इसे मैं सिंपली https पे रखूंगा क्योंकि मेरे पास SSL इंस्टॉल ऑलरेडी है, और उसके बाद सिंपली मैं यहां पर इतना करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो इसे यहां पर आपको पूछेगा कि आपको भी ऑटोमेटिक अपडेट ऑन रखना है, रिकमेंड रखना है कि ऑफ रखना है, तो फिलहाल तो मैं सिंपली सब कुछ मैनुअली ही करना पसंद करता हूं, इसलिए मैं ऑफ रखता हूं और सिंपली नेक्स्ट बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमको आगे का प्रोसेस बताएगा कि भाई हमारी अब वर्डप्रेस वेबसाइट जो इंस्टॉल हो जानी चाहिए। सो हमारी वेबसाइट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी वेबसाइट को एक बार विजिट करके देखना है कैसी दिख रही है। तो मैंने यहाँ पर विजिट करके एक बार देख ले रहा हूँ कि किस तरह से हमारी वेबसाइट फिलहाल में दिख रही है, उसका लुक कैसा है, और वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कैसा होगा। देखिए अभी यहाँ पर बिल्कुल खाली वेबसाइट है, कुछ नहीं यहाँ पर, आपको कुछ इस तरह से लुक देखने को मिलेगा। फिर मैं वापस हमारे वर्डप्रेस एडमिन पर हमारे एच पैनल पर आता हूँ, एंड देन अगर आप चाहें तो यहीं से भी /wp-admin करके एंटर करके करेंगे तो आपको यहाँ पर wp admin खुलने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर सिंपली डायरेक्टली एडिट वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं हमारे बैकएंड पर यानी कि वर्डप्रेस पैनल पर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके वर्डप्रेस में ऑलरेडी जो प्री इंस्टॉल्ड यानी कि इंस्टॉल होने के साथ जो चीजें आती है उन सभी चीजों को रिमूव कर देना जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्रेस के बटन पर क्लिक करूंगा, हमारी जो पोस्ट है उसे भी मैं यहाँ सर सिंपली डिलीट परमानेंटली सबसे पहले पोस्ट को करता हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पर थोड़ा सा आऊंगा नीचे तो पेजेस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सैंपल पेज को मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूंगा।
एंड पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी को भी डिलीट कर दूंगा। एंड देन मैं ट्रस्ट के ऊपर आऊंगा, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट परमानेंटली पे सिंपली अपलोड नाउ के बटन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक WP कमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई कमेंट नहीं है, जाने देते हैं। अपीयरेंस के अंदर आऊंगा मैं, आपको यहाँ पर आपको थीम चेंज करने होते हैं, बट थीम का काम मैं लास्ट में करूंगा। फिलहाल के लिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं उन्हें मैं डिलीट करने का काम करता हूँ। ये दोनों थीम को मैं डिलीट कर देता हूँ, और फिलहाल में जो थीम एक्स्ट्रा यानी कि जो एक्टिवेट है ऑलरेडी, उसका नाम है 2023, ये वाला थीम फिलहाल रहने देता हूँ, बाद में हम इसे चेंज करूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ प्लगइन्स के ऊपर। अब प्लगइन्स में ये जितने भी प्लगइन्स हैं आपको सबको डिलीट कर देना है। डिलीट के पे क्लिक करके मैं सिंपली अपना पे अप्लाई पे क्लिक करके सबको मैं डिलीट कर दूंगा एक एक करके। तो ये सारे के सारे प्लगइन्स भी हमारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। ओके, देन मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर साइट का टाइटल आपको चेंज करना है, आपके जो जिस बिजनेस का नाम है उस बिजनेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो वो चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद सिंपली मैं परमालिंक्स के ऊपर जाऊंगा। परमालिंक के ऊपर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपली पोस्ट नेम को सिलेक्ट करके सिंपली सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देना है। हमारी वेबसाइट बिल्कुल खाली है, यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हमारे बैकएंड पर आता हूँ और आपको एक एक चीज़ें करके बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप करनी है। तो मैं सिंपली सबसे पहले पेजेस करूँगा, एड न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा, होम नेम दूंगा एंड सिंपली इसे पब्लिश कर दूंगा। वापस वर्डप्रेस एडमिन पर जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं जाऊंगा रीडिंग में। रीडिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्टैटिक पेज पर क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर सिंपली अपने होम पेज जो क्रिएट किया है उस चीज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक बार मैं वेबसाइट रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह का है, हमको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एक आपको गूगल के ऊपर जाना है, थीम हंक, इस वेबसाइट को थीम हंक करके वेबसाइट है, इसे सर्च कर लेना है। पहले लिंक है themehunk.com, उसके पे आपको क्लिक कर देना है एंड देन सिंपली इस पे क्लिक करना है, पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब ये थीम हंक वाले क्या है कि ये लोग क्या है, बहुत सारे वेबसाइट के टेम्पलेट, वेबसाइट के थीम एंड प्लगइन्स प्रीमियम बनाते रहते हैं। फ्री कुछ फी भी है, कुछ प्रीमियम भी है, फ्री में कुछ अलग ऑप्शन रहते हैं, प्रीमियम में थोड़े से ऑप्शन जो है इंक्रीज हो गए ताकि आपके काम को और भी ज़्यादा इजी कर पाएं। इसलिए इनके प्रीमियम एंड फ्री प्लान सभी के सभी अवेलेबल हैं। आप यहाँ से चाहें तो अगर आप किसी और बिजनेस के लिए भी या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए भी कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ से आप जाके सिंपली यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारे ट्रेंडिंग है, जो एलिमेंटर को सपोर्ट करते हैं वो भी थीम्स इनके पास अवेलेबल है। मल्टी वेंडर जैसे कि हमारे IndiaMart.com है, फिर Amazon.com है, Flipkart.com है, इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनानी है, बिजनेस से रिलेटेड है, ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया थीम्स एंड प्लगइन सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको सर्विस है, ग्रॉसरी के लिए, एजुकेशन के लिए, यानी कि आप इन शॉर्ट किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर थीम हंक के ऊपर काफ़ी बढ़िया बढ़िया थीम्स एंड प्लगइन सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे, जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी कर देंगे, जिसमें आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ टेक्स्ट को ही चेंज करना है। यहाँ पर आपको प्रीमेड सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इनके, मेरे पास, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा। इनका एक थीम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, शायद यहाँ का ही इनका होना चाहिए, TH Shop Mania। ये TH Shop Mania जो थीम है ये मैंने यहाँ पर परचेज करके रखा है। एक बार मैं इसको आपको बता दूँ कि कितने रुपए का है। आप यहाँ से चाहें तो स्टार्टर साइट्स भी ले सकते हैं, डाउनलोड फ्री थीम। सिंपली आप यहाँ पर डाउनलोड फ्री थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो थीम है फ्री वाला वर्जन है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे डाउनलोड हो जाएगा। वो ये थीम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा थीम नीचे यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस थीम को अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक बार को कंट्रोल जे पे क्लिक करके इसे देख लेता हूँ, ये हमारा थीम अच्छे से डाउनलोड हो चुका है कम्प्लीटली। तो मैं सिंपली सबसे पहले तो मेरे अपीयरेंस के ऊपर मैं सिंपली थीम्स के ऊपर क्लिक करूंगा एंड आपको यहाँ पर अपने थीम भी इंस्टॉल करना रहता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पर एड न्यू को आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, देन चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है इनके डाउनलोड फोल्डर में, आ चुका हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इस पे सिलेक्ट करूंगा एंड देन इंस्टॉल नाउ पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली थीम अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली इस थीम को एक्टिवेट भी करना रहेगा। तो मैं सिंपली एक्टिवेट के बटन पर सबसे पहले क्लिक करूंगा एंड देन हमारा यहां पर ये प्लगइन एक्टिवेट, थीम जो है एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारा एक्स्ट्रा थीम था उसे डिलीट करूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही थीम यूज करना होता है, मल्टीपल थीम आपको अपलोड नहीं रहने देता है।
और अगर मैं आपको बताऊं कि पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की देखने को मिल रही थी, एक बार मैं से रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करूंगा, अब हमारी वेबसाइट का लुक कम्प्लीटली यहां पर चेंज चुका हो चुका है। आपको यहां पर और भी ज़्यादा बेसिक हो चुका है। अब इस वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाना है वो मैं सब चीज़ें एक एक करके दिखाता हूं। तो ये तो हमारा थीम सबसे पहले इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहां पर इनका जो प्रीमियम प्लगइन, जो कि मैंने बताया था कि मैंने ऑलरेडी प्रीमियम परचेस करके रखा है, उसे भी इंस्टॉल करना होता है, तो उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है एंड आपको यहाँ पर एड न्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कौन कौन से प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सभी सभी देख लेते हैं। सबसे पहला एक ऑलरेडी यहाँ से प्रीमियम वर्जन जो परचेस करके रखा है, इसलिए मैं सिंपली क्या करूँगा, डायरेक्टली हमारे इनके लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सब कुछ परचेस करके रखा है, मेंबर ऑलरेडी बन चुका हूँ मैं, तो मैं सिंपली यहाँ से मेंबर पर क्लिक करूँगा, मेंबर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस टैब को मैं यहाँ से बाकी सभी टैब्स को बंद कर देता हूँ एक एक करके। तो इनका क्या, मैं तो क्या है कि इनका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको एक बार मैं बता दूँगा कि फ्री वर्सेस प्रो के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सिंपली इनका क्या चेंज लॉग मिल जाता है, जो भी अपडेट आते हैं वो सभी चीज़ें मिल जाती है, प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है अगर आप इनका प्रीमियम लेते, डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा आपको कैसे यूज़ करना है कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पर बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी। ये रेडीमेड एलिमेंटर के साथ काम करता है, ब्रिजी के साथ काम करता है एंड गुटेनबर्ग के साथ भी ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, फ्री वर्सेस प्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि फ्री वर्सेस प्रो के अंदर कौन कौन से फीचर हैं जो आपको मिल जाएंगे एंड कौन कौन से फीचर जो है आपको फ्री में मिलेंगे, कौन कौन से फीचर आपको प्रो के अंदर अपडेटेड मिलेंगे। तो इनका ये इन्होंने सिंपली ब्लॉग लिख के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री में। सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी के सभी फ्री प्रीमेड वर्डप्रेस जो वेबसाइट है, प्रीमेड वेबसाइट यानी कि पहले से बनी हुई वेबसाइट, आपको सिंपली सिर्फ नेम चेंज टेक्स्ट चेंज करना है और कुछ आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है। तो वो यहाँ पर देखिए सबके सब में यहाँ पर मिल रहा है, दोनों फ्री एंड प्रो में दोनों ही में मिलता है। पेज बिल्डर का सपोर्ट आपको फ्री एंड पेड दोनों के अंदर मिलता है, रेगुलर अपडेट आपको फ्री एंड प्रो दोनों के फीचर में मिलेंगे। ये दोनों ये थीम हमारा जो जियो प्लगइन है वो हमारा ट्रांसलेशन रेडी, अगर आप ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट अनुसार ऐसे सारे प्लगइन्स का यूज़ करते हैं तो इनके लिए भी मोबाइल थीम, ये मोबाइल फ्रेंडली थीम है। बुक आर्ट का इनमें सपोर्ट मिलता है, एडवांस सर्च आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, एडवांस सर्च का ऑप्शन काफ़ी सारे वेबसाइट में, खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट में सर्च बटन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हमको जो है हमारे यूजर्स को जो प्रोडक्ट सर्च करने में तकलीफ ना हो। उसके बाद आपको दोनों में ही प्रायोरिटी सपोर्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन आपको यहाँ पर सिंगल मिलेगा और यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन मिल जाएंगे, चेकआउट पेज डिज़ाइन आपको यहाँ पर सिंगल मिलेगा एंड इसमें प्रो में मल्टीपल मिल जाएंगे, लॉगिन पेज डिज़ाइन दोनों अगेन वही सिंगल मल्टीपल, हेडर लेआउट आपको सिंगल फ्री में सिंगल मिलेगा प्रो में मल्टीपल मिलेगा, फुटर लेआउट आप चेंज कर सकते हैं सिंगल फ्री में सिंगल एंड प्रो के अंदर मल्टीपल, ई कॉमर्स के एलिमेंटर के जो वू एड ऑन है, वू कॉमर्स के जो एलिमेंटर के अंदर एड ऑन होते हैं वो आपको फ्री वाले में सिर्फ दो ही मिलेंगे, बट आपको प्रो वाले में 20 प्लस मिल जाएंगे। ब्लॉक पेज के लेआउट आपको सिंगल मिलते हैं इसमें एंड देन प्रो वाले में मल्टीपल मिलते हैं। अब यहाँ पर प्रो की बात आती है, मैंने इसे स्पेशली क्यों लिया है, कुछ रीजंस की वजह से मैंने इस प्रो वर्जन को लिया है, जो कि है इनका सबसे पहले तो प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन और सारी चीज़ें, तो यहाँ पर मल्टीपल चेकआउट पेज का ये सारे डिज़ाइन है यहाँ पर मल्टीपल मुझे देखने को मिल जाती है, प्लस एलिमेंटर की जो वो एडवांस है वो हमको यहाँ पर मल्टीपल मिल जाएंगे एंड ब्लॉक पेज का लेआउट हमको यहाँ पर मिल जाता है, और प्लस यहाँ पर फिक्स फुटर मुझे यहाँ पर मिल रहा है, स्टिकी हेडर यहाँ पर मिलता है, ऑफ कैनवास साइड बार में यहाँ पर कर सकता है, यूनिक हेडर लेआउट आपको मुझे मिल जाते हैं, प्रोडक्ट क्विक व्यू मिल जाते हैं, क्विक व्यू मिल जाता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकआउट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, कोई यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जिससे मेरे यूजर्स आसानी से चेकआउट कर सके, आसानी से पे करके उसके ऑर्डर प्लेस कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस टाइपोग्राफी भी देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर थीम अंक का प्लान यहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है, जो कि ये वर्जन है हमारे थीम्स ऑफ मेनिया प्रो, इसे मैं सिंपली यहाँ से इस क्लिक पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो है डाउनलोड जिप फाइल, ये जिप फाइल हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं 850 KB की जिप फाइल है, ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। तो वो थीम की जो प्लगइन्स की थीम की जो जिप फाइल थी वो डाउनलोड होके हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आ चुकी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हमारे एडमिन पैनल पर आ चुका हूँ, आपको यहाँ पर एड न्यू के बटन पर क्लिक करना है तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर सर्च नहीं करना है, सिंपली अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन हम यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में आ चुके हैं। मेरा फाइल तो मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर रखी है, ये रही हमारी फाइल, तो मैं सिंपली इसे डबल क्लिक करके यहाँ पर चूज कर लूंगा, देन सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अभी क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट में अपलोड होगा ये वाली जिप फाइल, देन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हमको इसे एक्टिवेट भी करना रहेगा। तो एक बार कोई अपलोड हो जाए अच्छी तरह से, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर प्लगइन ऑलरेडी अच्छे से अपलोड हो चुका है, अब हमें इसे सिंपली एक्टिवेट करना रहेगा।
तो मैं सिंपली इस यहाँ से आपको इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना है, क्योंकि आप अकेला एक बार अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें रह जाती है, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते। यहाँ से आपको सब कुछ ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना, आराम से बैठ जाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं सिंपली एक्टिवेट प्लगइन के बटन पर क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक्टिवेट प्लगइन के बटन पर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा सक्सेसफुली जो द शॉप मेनिया प्रो का जो प्रीमियम थीम प्रीमियम जो प्लगइन है वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको यहाँ पर और भी प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे, तो मैं सिंपली प्लगइन में ऐड न्यू पर जाता हूँ, न्यू टैब में ओपन करके ऐड न्यू पर जाऊंगा। और आपको यहाँ से एक वूकॉमर्स का प्लगइन भी चाहिए रहेगा, तो मैं सिंपली यहाँ से सर्च कर लेता हूँ वूकॉमर्स। आपको यहाँ पर सबसे पहला प्लगइन देखने को मिल जाएगा, उसे मैं सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल होने देता हूँ। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे भी हम एक्टिवेट कर देंगे। तो ये प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं सिंपली इसे सबसे पहले एक्टिवेट बटन पर क्लिक करता हूँ। एंड देन हमको यहाँ पर आगे आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता जाएगा कि हम कैसे कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं। थीम एक्टिवेट हो चुका है, इसका भी सेटअप विजार्ड एक बार हम देख लेते हैं। हमको यहाँ पर कंट्री इंडिया गुजरात इस तरह से मैंने हमारा सारा का सारा एड्रेस डाल देता हूँ। एंड देन सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा, नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप किस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मैं सिंपली फैशन एंड अपेरल के ऊपर क्लिक करूंगा, देन सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो मैं यहां पर क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं इसलिए मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स को ही रहने देता हूं। अगर आप किसी और तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन मैं सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दे रहा हूं। उसके बाद आपको यहां पर कुछ बिजनेस डिटेल एंटर करनी है, तो मैं सिंपली यहां पर 1 to 10 ओके 11 to 100 ऐसे ही आपको कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद करंटली सेलिंग एल्सवेयर नो ओके सेटिंग या फॉर माय क्लाइंट नहीं खुद के लिए कर रहा हूँ। एंड देन रिकमेंडेड इन सबको ऑफ करके सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर द शॉप में नहीं आई, ये रहा हमारा वर्डप्रेस की तरफ से भी हमको यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपकी ये है थीम है ओके। तो मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू विथ माय एक्टिव थीम पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही तगड़ी थीम ऑलरेडी ले ली है तो हमें किसी भी और थीम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से का सिस्टम है ओके। यहाँ पर इतना काम हमारा वूकॉमर्स का कम्प्लीट हुआ। अब आपको सिंपली यहाँ पर वूकॉमर्स सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आपको कुछ गिनी चुनी सेटिंग्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ से आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन को कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर सिंपली पेमेंट के ऊपर आना, क्योंकि पेमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप पेमेंट का सेटिंग सही से नहीं करेंगे तो कहाँ से काम बनेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी फिलहाल के लिए कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करता हूँ, बाकी सबको ऑफ रहने दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आपको पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज बना के रखी है, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं बाद में। इसे बस यहाँ पर हमारा वूकॉमर्स का काम खत्म, यहाँ से काम शुरू होता है हमारा जो है थीम का मेन कस्टमाइजेशन का। तो मुझे सिंपली यहाँ पर अपलोड अ लोगो ग्लोबल कलर वूकॉमर्स इन सबको देखना है सबसे पहले। तो मैं सिंपली स्टार्ट कस्टमाइज के बटन पर क्लिक करूंगा सबसे पहले। तो अब आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट को सिंपली कस्टमाइज करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी, तो मैं सिंपली साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लोगो पूछेगा, तो ऑलरेडी मैंने मेरा लोगो डाउनलोड कर लिया, तो मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देता हूँ। ये हमारा लोगो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से नीचे आके एक बार अपलोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद सिंपली मैं सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करूंगा एंड देन सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमसे पूछेगा मोबाइल लोगो आपका क्या है, तो मोबाइल लोगो में वही मैं सिंपली चूज इमेज सिंपली अगेन वही साइट टाइटल, हमारा साइट टाइटल अपनी वेबसाइट का आप साइट टाइटल यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रेटिना लोगो भी लेना है, तो रेटिना लोगो में भी मैं सिंपली यही रहने दूंगा। एंड सिंपली आपको लोगो का विड्थ कितना रखना है तो आप वहां यहां से देख सकते हैं। साइट टाइटल मुझे यहां से सबसे पहले तो डिस्प्ले साइट टाइटल डिस्प्ले साइट टैगलाइन इन दोनों को डिसेबल करूंगा, तो ये चीज हमारी यहां से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको देख लेना कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है। इतना कर देने के बाद मैं सिंपली यहां से पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद हमको यहां पर क्या करना है कि मैं वापस बैक जाऊंगा, लेआउट एंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पर हेडर में किस तरह का लेआउट चाहिए, अबव हेडर मेन हेडर, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली सबसे पहले बैक आता हूँ। अब हमारे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो डेमो साइट है जो डेमो कंटेंट है उसे यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं क्या डेमो को इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर तो टीएच शॉप मेनिया वाले आपको काफ़ी ज़्यादा डेमोस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑलरेडी बना हुआ पूरा वेबसाइट बनी हुई दे रहे थे ये, उसमें आपको सिर्फ अपने हिसाब से चेंजेस करने होते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, आपको यहाँ पर डेमो इम्पोर्ट साइट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा डेमो इम्पोर्ट साइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको इससे मैं फिलहाल यहाँ से कट करता हूँ और अगेन यहाँ पर मैं डेमो इम्पोर्ट साइट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो है इम्पोर्ट आप
बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट किस बारे में थी, यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पर फैशन एंड अपेरल के लिए वेबसाइट को चूज़ करा था, यानी कि क्लोथिंग रिलेटेड वेबसाइट थी। तो यहाँ से मैं कुछ बढ़िया सा इम्पोर्ट यहाँ पर अगर मैं दूँ, यहाँ से कहीं से मुझे बढ़िया सा मिले तो उसे मैं चूज़ करूँगा सबसे पहले। तो ओके, तो मुझे यहाँ पर ये जो द फैशन स्टोर टीएच फैशन स्टोर वाला ये वाला कुछ पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई और बढ़िया हो तो उसे मैं देख लेता। बाकी सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें यानी हर तरह के आपको डेमो मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक है उसका, ये ब्यूटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो रहते हैं वो है, फिर जो ग्रॉसरी जो हेल्थ से रिलेटेड जो सब्जी जब वो सब चीज़ें रहती है ग्रॉसरी रिलेटेड वो है, चश्मे हैं, शूज़ हैं, फिर यहाँ पर फैशन से रिलेटेड भी एक है। बट यहाँ पर क्योंकि मैं बॉयज से रिलेटेड मुझे यहाँ पर एक देखने को मिल गया। यहाँ पर इनकी काफ़ी सारे डेमो वेबसाइट स्टार्टर टेम्पलेट है, उनमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इतने प्लगइन चाहिए रहेंगे। यहाँ पर ये कुछ हमारी वेबसाइट का कुछ लुक कुछ इस प्रकार का हमको जो देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से उबड़ी खाबड़ी दिख रही है, बट कुछ ही मिनटों में बस कुछ ही क्लिक्स में हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखने वाली है। सो हेयर वी गो, यहाँ पर एलिमेंटर प्रोडक्ट सर्च वूकार्ट फिर प्रोडक्ट कंपेयर लोड फॉर्म, यहाँ पर इतने जो 5-6 प्लगइन है वो सब इंस्टॉल होने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बटन पर क्लिक करूंगा, इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक किया और ये सारे के सारे वन क्लिक के अंदर ये सारे के सारे प्लगइन इंस्टॉल होने लगेंगे। WooCommerce प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, वरना ये भी यहीं से अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया था यहीं से वन क्लिक में इंस्टॉल हो जाता। तो यहाँ पर वन क्लिक में सारा का सारा काम होने वाला है, सभी के सभी प्लगइन जो है वन क्लिक में इंस्टॉल हो रहे हैं। तो एक बार इनको होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप देख सकते हैं एक एक करके ये तीन प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, इनके बाद एक एक करके ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, हमारा सारे के सारे प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ये एक बटन पर क्लिक करना है। उसके पहले एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके वेबसाइट बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट फिलहाल के टाइम पे किस तरह की दिख रही है। ये कुछ इस तरह की उजड़े चमन जैसी वेबसाइट हमारी यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर मैं जैसे ये इस बटन पर क्लिक करूंगा, हम क्लिक करते हैं 3-2-1 ओके लेट्स गो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक प्रॉम्प्ट आएगा, ओके के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा गेटिंग सेटिंग अप इम्पोर्ट डेटा सभी के सभी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। सारा सारा डेटा जिसको भी जिस भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इसको, जो हमारे प्राइसेस हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, सबकी सब चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। तो हम थोड़ा सा आधा एक मिनट वेट कर लेते हैं जैसे ये इम्पोर्ट हो जाए, उसके बाद बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। एंड ये डन ओके, हमारा यहाँ पर सिर्फ वन क्लिक में मुझे लगभग शायद 30-45 सेकेंड लगे होंगे इसे पूरा कम होने में। यहाँ पर हमको यहाँ पर डन व्यू साइट का मैसेज आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की उबड़ खाबड़ देखने को मिल रही है। बट मैं जैसे इस व्यू साइट के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके क्लिक करता हूँ, तैयार हो जाइए 3-2-1 बूम ओके। तो ये लोड हो रही है वेबसाइट हमारी और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ हमारे यहाँ पर वन क्लिक के अंदर इम्पोर्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर जो भी इमेज है जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। देखिए आपको यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट, ये जो है यहाँ पर क्या बेस्ट सेलर, आपको यहाँ पर क्या है कि खुद से कैटेगरीज जो है इन्होंने बना के रख दी हैं। अब इनमें जो बेस्ट सेलर है इसमें आपको इमेजेस अपने हिसाब से लगानी पड़ेंगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है। आपको जो जो चेंजेस करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको, आप यहाँ पर हमारी पुरानी वेबसाइट देखिए कुछ इस तरह की दिख रही है और नई वेबसाइट देखिए कुछ इस तरह की दिख रही है। अब मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ हमारे यहाँ पर एंड देन हमें यार उसे मैं सिंपली कट के बटन पर क्लिक कर दिया है, कट के बटन पर क्लिक कर दिया है एंड देन वापस मैं यहाँ पर आऊंगा डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब वो सारे जो एक एक करके सभी के सभी जो सारे सेटिंग्स है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट में आ जाना है, देख लेते हैं कि इन्होंने कोई पोस्ट क्रिएट करी नहीं है। ओके, यहाँ पर इन्होंने कुछ 3-4 पोस्ट क्रिएट करी है, इनको एक बार मैं व्यू के बटन पर क्लिक करके देख लेता हूँ कौन सी क्या ये पोस्ट्स हैं। ओके, अगर आपको इन पोस्ट का कोई काम नहीं है तो आप इन पोस्ट को सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैंने मूव टू ट्रेस कर दिया है, ओके पोस्ट का काम खत्म। देन आपको यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर आ जाना है। अब देख लेते हैं कैटेगरीज में हमारा क्या है, एक ब्लॉग है एंड देन अनकैटेगराइज्ड है। ओके, यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है हमारा मीडिया का। मीडिया में इन्होंने जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने सारा का सारा डेमो डेटा बाहर से इम्पोर्ट किया है, तो ये सभी के सभी डेमो डेटा हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसे हमें रहने देते हैं, कुछ छीनना नहीं है। देन आपको यहाँ पर पेजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, कार्ट का 2 पेजेस हो चुका है, चेकआउट के 2 पेजेस हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस का एक एलिमेंटर के थ्रू यहाँ पर इतने सारे पेजेस बन चुके हैं। मैं एक एक करके सभी को व्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले ये है अबाउट अस, ओके अबाउट अस इन्होंने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बना के दिया है कंपनी की तरफ से। आपको इसमें क्या करना है कि आपको सिंपली
एडिट के बटन पर क्लिक करना है एंड सिंपली एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से हम जो जो चीजें चाहें उसे अपने हिसाब से एडिट भी कर पाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ से द कंपनी लिखा ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए, आपका जो मिशन है और मिशन, यहाँ पर अपने मिशन के बारे में और विजन अवर मिशन, अपने हिसाब से जो जो चीजें आपको यहाँ पर एडिट करनी है अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। एंड इसे मैं कट करता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी डुप्लीकेट पेजेस उनको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो यह सबसे पहले कार्ट, ओके चेकआउट एंड देन कॉन्टेक्टर्स होम के दो पेजेस हैं। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ से शॉप के लिए दो पेजेस क्रिएट हो गए हैं एंड माय अकाउंट के लिए भी दो पेजेस। इनको सबसे पहले तो मैं मूव टू ट्रेस करता हूँ, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले तो। ओके, अब हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। हमें क्या करना था, ई कॉमर्स वेबसाइट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग रिफंड भी लेते हैं, तो इसलिए इन्होंने रिफंड वाला पेज भी हमको ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिया है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर 30 डे मनी बैक गारंटी या फिर क्या है अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है। सिंपली मैं पब्लिश के बटन पर क्लिक करूंगा एंड फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसे सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ। आपको अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में, अपनी वेबसाइट में आप किस तरह से इनकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहते हैं वो देख लीजिए। अबाउट अस हो गया, फिर उसके बाद आपको चेकआउट पेज में भी, उसके चेकआउट पेज में कुछ नहीं करना है, होम पेज के अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिफंड पॉलिसी में एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी आपको क्रिएट करके वहाँ पर चेंज कर लेना है। ये तो होगा पेजेस का। उसके बाद आपको यहाँ पर वूकॉमर्स के अंदर में आ जाना है। अब वूकॉमर्स के अंदर जो जो सेटिंग्स होगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आऊंगा वूकॉमर्स के अंदर। यहाँ से जो जो चीज़ें आपकी रह जाती हैं उन सभी चीज़ों को सबसे पहले तो फिल कर लीजिए। सेल टू ऑल कंट्रीज, शिप टू ऑल कंट्रीज, ओके इनेबल टैक्स, ये सारी चीज़ें आपको जो जो चीज़ें आपको देखनी है वो सभी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। मैंने क्या कि वूकॉमर्स के लिए ऑलरेडी एक वूकॉमर्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के रखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा है। अगर आप कंप्लीट अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप उसे जाकर देखिए। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मेरा काम खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑलरेडी बहुत सारा ज़्यादा टाइम हो चुका है वीडियो बनाते बनाते। उसके बाद वूकॉमर्स की सेटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। देन हमको यहाँ पर थोड़ा मार्केटिंग कुछ देखना नहीं है, टेम्पलेट के अंदर हमको कुछ देखना नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली एक बार फिर से हमें अपीयरेंस के अंदर जाना होगा एंड देन कस्टमाइज थीम का एक ऑप्शन हमको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं सिंपली कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करूंगा और एक बार फिर से हमें इसे कस्टमाइज बटन पर क्लिक करके हमें वेबसाइट अगेन कस्टमाइज करनी पड़ेगी क्योंकि जब इसने डेमो कंटेंट जो इम्पोर्ट किया साथ में हमारा लोगो और बाकी सारी चीज़ें भी चेंज हो चुके हैं। तो मैं सिंपली साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूँ और हमको यहाँ से लोगो जो क्या है चेंज लोगो पे क्लिक करना है। अगेन मैं वही मेरा ये वाला लोगो लेके सिलेक्ट अगेन पे क्लिक करके स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करूँगा एंड पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दूंगा। एक बार मैं वापस हमारे जो है यहाँ पर आकर एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि हमारा जो लोगो ये वाला भी दिख रहा है ये चेंज हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर वापस से आऊँगा मेरे यहाँ से और मोबाइल लोगो को एक बार मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन मेरा वही वाला लोगो। एंड मुझे इस लोगो को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा देखने को लग रहा है। आप यहाँ पर देखें कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पर दिख रहा है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर रेक्टेंगल लोगो लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्वायर लोगो लिया है इसलिए यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है क्योंकि हमारा इससे पहले जो लोगो इन थीम ने ऑलरेडी बनाकर दिया था वो साइज़ के हिसाब से सब ठीक था। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा लोगो जो है रेक्टेंगल है इसलिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर तकलीफ देखने को मिल रही है, बाकी इसके अलावा तो सब ठीक है। साइट आइकॉन, अगेन मैं वापस से मेरे साइट आइकॉन में जाके साइट आइकॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड स्किप क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दूंगा एंड देन सिंपली मैं यहाँ पर कट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट को ऐड करना है या फिर ऑलरेडी एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एडिट करना है, प्लस आपको कैटेगरीज भी एडिट करनी है। तो वापस एक बार मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, ओके वूकॉमर्स के अंदर आऊँगा एंड हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का एक ऑप्शन देखो मिलेगा। प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले मैं ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो सारे इतने सारे प्लगइन्स, इतने सारे जो हमें प्रोडक्ट इसने ऑलरेडी ऐड करके दिए हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए, इनमें हमको क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं आप क्या कर सकते हैं, इन सबके सबको डिलीट सेलेक्ट ऑल करके मूव टू ट्रेस करके यानी कि डिलीट कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट को सिंपली इस तरह से एडिट कीजिए, एडिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से दिस इज ए डेमो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले तो प्रोडक्ट का टाइटल एडिट कर लेना है, देन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एडिट कर लेनी है, फीचर्ड इमेज इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कोई और फीचर्ड इमेज क्लिक कर सिलेक्ट कर पाएंगे या फिर आप यहाँ से क्लिक करके सिंपली इस तरह से फाइल मैनेजर में जाके अपलोड भी कर पाएंगे। आपने फीचर्ड इमेज भी क्लिक कर ली, उसके बाद ये सिंपल प्रोडक्ट रहने देना। आपको यहाँ पर रेगुलर प्राइस कितना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रेगुलर प्राइस रहता है
700 रेगुलर प्राइस रहता है, बट मैं यहाँ पर ऑफर के अंदर 499 के अंदर इसे बेच रहा हूँ। तो ये हमारा सेल प्राइस हो गया, इतना हो गया। इन्वेंट्री के अंदर आपको यहाँ पर एसक्यू क्या है, शिपिंग के अंदर आप क्या सब चीज़ें हैं, लिंक प्रोडक्ट क्या है, ये सारी सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर टीएच बॉट टुगेदर यानी कि थीम अंक वालों का एक फीचर है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट जनरली बाय किया जाता है। तो मैं इसके साथ कोई और भी प्रोडक्ट को लिंक कर सकता हूँ, जैसे कि एक अगर मैं यहाँ पर मेरे दूसरा प्रोडक्ट का नाम लिखूँ MAU, इस तरह से मैंने यहाँ से देख के ये MAU से स्टार्ट होता है, इस प्रोडक्ट को लिया और इसे मैं सिंपली इस तरह से क्लिक करूंगा, यानी कि जब भी ये वाला प्रोडक्ट हमारा परचेस किया जाएगा साइड में ऐसा दिखाएगा कि दिस थिंग बाय टुगेदर, यानी कि अमेजोन के ऊपर जब आप परचेस करते हैं वहाँ पर रिकमेंड देता है कि इसके साथ ये सारी चीज़ें भी खरीदना रिकमेंड करते हैं। तो वो सारे सिस्टम यहाँ पर है, गेट मोर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट फिलहाल मैं इसे सिंपली अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ और ये तो हमारा प्रोडक्ट वाला हो गया। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि कैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करने, आप चाहें तो नए इन सबको डिलीट करके नए प्रोडक्ट ऐड कीजिए या फिर आप चाहें तो इन्हें में डिलीट एडिट के बटन पर क्लिक करके उनका नाम डिस्क्रिप्शन इमेज बाकी सारी चीज़ें भी चेंज कर दीजिए, तब भी आपका काम दोनों ही तरीकों से आपका काम बन जाएगा। और अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का देखने को मिल रहा था। मैं यहाँ से रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा डेमो प्रोडक्ट, ओके ये हमारा डेमो प्रोडक्ट है। क्विक व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्विक व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से कार्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली यहाँ पर फाइव पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये भी दिखाता हूँ कि आपका ऐड टू कार्ट वाला जो कार्ट वाला पेज कैसा दिखता है, ये हमारा ऐड टू कार्ट है। उसके बाद हमको सिंपली व्यू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका जो कार्ट पेज है वो देखने को मिल जाएगा और कार्ट पेज हमारा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। सिंपली मैं यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें ये फिल करेंगे एंड देन हम यहाँ पर प्लेस एन ऑर्डर, यहाँ पर क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी इनेबल्ड है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कैसे इनेबल करना है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो एक बार वापस से मैं मेरे होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ और हम बाकी सारी इसके अलावा जो चीज़ रह गई वो है कैटेगरीज। अब कैटेगरीज के ऊपर मैं सिंपली यहाँ से कैटेगरीज के ऊपर इस पर क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पर बहुत सारी बने बनाए कैटेगरीज मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये सारी हमारी जो कैटेगरीज है जैसे कि बेस्ट सेलर है, किड्स कलेक्शन है, मेंस कलेक्शन है, न्यू अराइवल, ऑन सेल, वुमेन कलेक्शन, आपको यहाँ पर ये सारी कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक न्यू टैब में बेस्ट सेलर, किड्स कलेक्शन, मेन कलेक्शन, न्यू अराइवल, ऑन सेल एंड वुमेन्स कलेक्शन, ये सभी की सभी कैटेगरीज को न्यूज में एडिट करता हूँ। आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इन सबको डिलीट करके सिंपली एड न्यू के बटन पर क्लिक करके यहाँ से सिंपली कैटेगरी का नेम दीजिए, स्लग ऑटोमेटिकली बन जाएगा और सिंपली यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सिंपली इन्हें एडिट करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पर नेम में नेम बाकी सारे चीज सेम रहने दूंगा, इनको मैं सिंपली इमेज के ऊपर मैं चेंज करूँगा। ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले तो बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर में जाऊँगा, बेस्ट सेलर में ओके इसको क्लिक करूँगा, यूज इमेज एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट कैटेगरी किड्स कलेक्शन है, किड्स कलेक्शन के लिए कौन सी इमेज मुझे लेनी चाहिए किड्स कलेक्शन के लिए, ये इमेज लेके यूज इमेज क्लिक करूँगा, अपडेट। नेक्स्ट है मेंस कलेक्शन, अब मेंस कलेक्शन में कौन सी इमेज मुझे बढ़िया लग रही है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं हर एक कैटेगरी के लिए एक अलग अलग इमेज सेलेक्ट कर लूँगा तो मैं एक एक करके सभी के सभी कैटेगरीज को अपडेट कर सकता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि हमारा मेन वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ का क्या फर्क पड़ा है। तो मैंने सभी की सभी कैटेगरीज एडिट कर दी हैं, आप चाहें तो इन्हें ही एडिट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली न्यू कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं जो ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरीज हैं उन्हें डिलीट करके। तो अब देखते हैं हमारी मेन वेबसाइट का इस चीज़ का क्या फर्क पड़ा है। सिंपली मैं रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता हूं और अभी आपको यहां पर ये खाली दिख रहा होगा बट रिफ्रेश हो जाने के बाद आप इनका लुक देखिए किस तरह से चेंज होता है। इसमें थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका है, थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके बेस्ट सेलर, ओके किड्स कलेक्शन, मेन्स वियर, न्यू अराइवल, ऑन सेल, वुमेन्स कलेक्शन, इस तरह से आपका कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पर चीज़ देखने को मिली। अब ये थीम जो है मोबाइल फ्रेंडली भी है। एक बार कोई मैं से कंट्रोल शिफ्ट आई पे के बटन पर और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लुक देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वेबसाइट जो मोबाइल के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चलने वाली। सिंपली मैं ऐसे यहाँ से कट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही क्लिक्स की हेल्प से। वो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको अलग अलग थीम और वूकॉमर्स का भी प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाया, बट आपको सिंपली क्या करना होता है कि थीम अंक का जो शॉपिंग या थीम है उसे सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है।
आप फ्री यूज कर रहे हैं तो फ्री भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली इनका प्रीमियम जो प्लगइन होता है उस प्लगइन को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद सिंपली और आपको सिंपली डेमो इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है एंड देन आपका काम पूरा पूरा यहाँ पर ऑलरेडी आपका ये प्लगइन करके दे देता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट को एडिट या फिर एड करना है। इसके अलावा आपको एक भी काम एक्स्ट्रा आपकी तरफ से करने की जरूरत नहीं है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे मिनटों में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। एक बार मैं आपको वापस से दिखाऊं कि हमारी वेबसाइट पहले कुछ इस तरह की दिख रही थी, इससे ही पहले और भी उबड़ खाबड़ दिख रही थी, बट सिर्फ थीम इंस्टॉल करने के बाद इस तरह की दिख रही थी, लेकिन कुछ ही 3-4 क्लिक के अंदर हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह का हो गया। अगर मैं फिर से इसे एक बार रिफ्रेश करूं तो हमारा लुक वही, क्योंकि मैंने इसे काफी टाइम से रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए इस तरह की दिख रही थी। रिफ्रेश करने के बाद हमारी वेबसाइट एकदम न्यू लुक के अंदर आ चुकी है। होप मैंने आपको बता दिया होगा कि कैसे आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ कुछ मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। आपको थीम अंक की लिंक जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट से लेकर मल्टी वेंडर वेबसाइट, इसके अलावा बात करें तो किसी भी बिजनेस के लिए, डॉक्टर हो आप, आपका कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, डिजिटल मार्केटर रिलेटेड, पेड एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, मतलब इन शॉर्ट कोई भी तरह का बिजनेस है, हर तरह के बिजनेस के लिए थीम अंक जो है अपने थीम्स एंड प्लगइन्स बनाते हैं, उन्हें आप जरूर चेकआउट कीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है, आप फ्री थीम्स एंड पेड थीम दोनों ही तरह के यूज कर सकते हैं। पेड के अंदर कुछ चीजें आपको देखने मिल जाएंगी, फ्री के अंदर कुछ कम चीजें देखने मिलती, सभी के सभी आप उन्हें आप कंपेयर करके अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। उस थीम अंक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, सबसे पहला लिंक होगा, उसे जाकर जरूर चेकअप कीजिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो ये वाली पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, बहुत टाइम लगा ये वाले वीडियो बनाने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोज को भी देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।